This blood is for the entire humanity. It's a strong message to integrate for national integration and communal harmony. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक पेश करना है। उनका अतिया जो है सबसे बड़ा अतिया है। अगर कोविड उनको क्या तो भी पॉजिटिव हुआ था पहले, तो उसका क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, 29 डेज तक उसका रहता, उसके बाद उन्हें आराम से डोनेट कर सकते। क्योंकि हॉलीडे भी रहता है और हमारे लोग एक जज्बे में भी रहते हैं जाके कौम के कुछ काम करने के लिए। इंशाल्लाह हम भी इसे सपोर्ट करते हैं और तआवुन भी करते हैं। कोरोना वायरस की वबा का खतरा अभी भी टला नहीं है, इसके बावजूद सियासी इंतखाबी रैलियां, आशीर्वाद रैलियां वगैरह आम हैं। ताहम कर्नाटका में जुलूस मिलादुन नबी को इजाजत नहीं दी गई। इन हालात में सब्र और तहमुल का मुजाहरा करते हुए उलमा इकराम व दानिशवरान ने यह फैसला किया कि गुज़िश्ता साल की तरह इम साल भी मीलाद मुस्तफ़ा के दिन फलाही काम किए जाएंगे। इस सिलसिले में जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड व दीगर समाजी व मिली तंजीमों की जानिब से मुत्तहिदा तौर पर रहमतुल्लिल आलमीन मुहसिन इंसानियत की आमद के मौके पर हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह के अहाते में बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप के इनेकाद करने का ऐलान किया गया। 19 तारीख 19 अक्टूबर 2021 को हज़रत कुद्दूस साहब के ईदगाह में सवेरे 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक इंशाअल्लाह ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे अमल में आएगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग इस ब्लड डोनेशन कैंप को आए और ब्लड डोनेट करें और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि दिस ब्लड इज़ फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी करके बोल के, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो रहमतुल आलमीन हैं, तो उनके नाम से मैं गुजारिश करता हूं कि तमाम आवाम यहां पर आए और ब्लड डोनेट करें और यहां पे तमाम जो अरेंजमेंट्स है ब्लड डोनेशन का यहां पे किया जाएगा और स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स अधियर किया जाएगा। जब हम लोग खून यहां पे लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी, तो सेम खून हर एक कम्युनिटी, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, किसी को भी दिया जाएगा। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू इंटीग्रेट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, जैसे दुनिया में आए तमाम दुनिया की जलालतें, अंधेरियाँ, तमाम जुल्म व सितम जो है ख़त्म हो चुका। तो इसी मकसद के लिए हम जमा हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने का मकसद क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक पेश करना है और उसी की पैदाइश की तारीख़ आ रही है और उस पैदाइश की तारीख़ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहमतुल्लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, एक बड़ा बाबरकत दिन समझ कर जो है खून डोनेट करने के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं, सब ने अज़्म किया है। अभी हाल ही में कोविड हुआ, तो कोविड ने जो है बहुत सारे अतिया करने वाले तो खून अतिया कर दिए, मगर लोगों को ज़रूरत अभी भी बाकी है। जैसे कि 100 लोगों को ज़रूरत बाकी है, तो सिर्फ 25 लोग अतिया के हैं, अभी 75% जो है इसके अंदर बाकी है। तो इस लिहाज से सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे शहर के अंदर खून की अतिया की ज़रूरत है और खून का अतिया जो है सबसे बड़ा अतिया है, इसलिए हम खून की अतिया के ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र कर रहे हैं। पर्सन हु हैज़ क्रॉस 18 ईयर्स अप टू 60 ईयर्स तक उन्हें आराम से ब्लड डोनेट करेगा, तो हमें क्या करते, हीमोग्लोबिन चेक करते। पर्सन हु हैज गॉट हीमोग्लोबिन ऑफ 12.5% एंड अबव उन्हें ईजिली ब्लड डोनेट कर सकते, उसमें क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन तो भी वैक्सीनेशन ले को ही तो 14 डेज तक तो उन्हें डोनेट नहीं कर सकते, आफ्टर 14 डेज दे कैन ईजिली डोनेट, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर कोविड उनको क्या तो भी पॉजिटिव हुआ था पहले, तो उसका क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, 29 डेज तक उसका रहता, उसके बाद उन्हें आराम से डोनेट कर सकते। तो ये थोड़े क्राइटेरिया से, उसके बाद अब छोटे मोटे ये सब क्राइटेरिया से, उसके ज़्यादा क्या तो भी रहा तो हमारे पास काउंसलिंग करने के वास्ते डॉक्टर्स रहते। ये कोविड की वजह से कई सारे रेगुलर डोनर्स भी आके डोनेट नहीं कर रहे हैं और अभी मीलादुन्नबी का मौका अभी 4-5 दिन में है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसी दिन करेंगे, क्योंकि हॉलीडे भी रहता है और हमारे लोग एक जज्बे में भी रहते हैं जाके कौम के कुछ काम करने के लिए, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। जो इनिशिएटिव लेके हैं, जो नीड ऑफ द आर है ये ब्लड डोनेशन का, जो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी इसे सपोर्ट करते हैं और तआवुन भी करते हैं इसे, और मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों को जो आप सब मिल के जो है हमें सपोर्ट करें। और हमारी जो तंजीमें हैं जो हैं, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है कि कोविड 1 या कोविड
टू में कि हमने कोविड वॉरियर बन चुके हैं। हमने प्रूफ किया कि हमने कोई मजहब या कोई किसी को नहीं देखा, कोई पॉलिटिक्स को नहीं देखा, हमने खिदमत की। हम मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें इसकी शान में हम कुछ भी ले कुर्बानी दे सकते हैं। ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये थर्ड वेव आने वाला है, बल्कि ऑक्सीजन तो तैयार है, हर चीज़ रेडी है, खून के लिए भी हम लोग तैयार होना चाहते हैं। और इसमें है ना सिर्फ हमारे लोग नहीं, पूरे सब लोगों को साथ लेके हम लोग इसको करना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।